क्या आपको भी एक ऐसे वीडियो की तलाश है जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन तो दे साथ ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड इज, ऑप्शन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा विद फुल एक्सप्लेनेशन, ये रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी जो है एल्कोहल का वो डिपेंड करता है कि किस तरह के अल्कोहल हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हैं या टर्शियरी अल्कोहल हैं। क्या होता है कि इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोकेटायन प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बॉन्डेड विथ ओएच, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा, और सो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा अल्कोहल का विथ हैलोजन एसिड या हैलो एसिड वो 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी होगा इस रिएक्शन का, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल विल यील्ड द कोरस्पोंडिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, इसका 4 ऑप्शन है। तो इसका रीजन है कि जो रिएक्शन है प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का विथ HCl डेट रिक्वायर्स अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2, विथ टर्शियरी अल्कोहल जो रिएक्शन है वो कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विथ कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर शेक ही कर देने से ये रिएक्शन टर्शियरी के साथ, टर्शियरी अल्कोहल के साथ हो जाता है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा अल्कोहल का विथ गिवन हैलो एसिड इज 3 डिग्री, अल्कोहल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली हो जाएगा, 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेगा और 1 डिग्री बहुत टाइम ले लेगा, यानी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज 4 इज करेक्ट, यानी 4 के साथ ये रिएक्शन इजीली होगा। थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड बाय इन फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है और हमें यहाँ से बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जो Cl या Br- एंड Cn- जो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग वाई डाइजोनियम साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ Cu1 आयन। सो व्हेन एनिलीन C6H5NH2 इज ट्रीटेड विथ NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर डेट इज 273 या 278 केल्विन, तो इट फॉर्म्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl विच इजली रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 कैटलिस्ट, जिसके कारण फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl। हेंस वाई जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है क्लोरोबेंजीन है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चौथा नंबर, करेक्टोलिन रिएक्ट विथ अ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पारा हैलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज, तो इसमें हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्शन फॉर होने वाला है किस तरह का रिएक्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन है 2 करेक्ट है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि जो एराइल क्लोराइड्स होते हैं एंड ब्रोमाइड्स होते हैं दे कैन इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक कर देने से एरिन का, यहाँ पर हमें इस तरह के फॉर्म एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स फॉर्म हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। 5 का ऑप्शन ए होगा, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसमें से कौन शो करेगा 4 ऑप्शन में से, कहता है कि अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑप्टेन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन, NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates forward reaction according to Le-Chatelier's principle. According to above given equation, there happen to be an exchange of halogen
यहाँ पर हलोजन का एक्सचेंज होता है इन्वॉल्व बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड सोडियम एटम, सोडियम एटम और अल्काइल ग्रुप के बीच यहाँ पर हलोजन एक्सचेंज होता है। हेंस जो रिएक्शन जो है वेरी ऑफ्टन इसको कहा जाता है हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 नंबर करा विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। अगर इस तरह का रिएक्शन हो तो वहां पर आप इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है यूज करना चाहेंगे, तो इसका ऑप्शन ए है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन है और ब्रोमिनेशन है ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पोलीहेलो एल्केन्स विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड। इनको प्योर कंपाउंड के रूप में सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इन दिस केस मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ सीएल टू यूवी लाइट एज पर रिएक्शन बिलो। यहाँ पर सीएल टू यूवी लाइट का या हीट करने से ये रिएक्शन फॉर्म होने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के इंक्रीजेस होता है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम हलोजन एटम एंड एटॉमिक मासेस ऑफ हलोजन एटम। जो यहाँ पर हलोजन एटम यूज हो रहा है उसके एटॉमिक मास इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होता है, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम या हलोजन एटम को इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होता है जो कि बॉन्डेड होते हैं विथ अल्काइल और अराइल ग्रुप। इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि डेंसिटी जो है इज रिलेटेड टू मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड्स। सो हायर द मोलिकुलर मास ग्रेटर विल बी डेंसिटी ऑफ कंपाउंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है डेट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मोलिकुलर मास। क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर हमें अरेंज करना है कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कहता है इसका ऑप्शन 3 होगा। कहता मोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एज मोलिक्यूल्स गेट विगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे जैसे मोलिक्यूल्स बिगर होते जाते हैं साइज में और उनके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं जो मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। फर्दर एज ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल डिक्रीज। यानी जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम उसका जो सरफेस एरिया होगा। बिकॉज ऑफ दिस वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड कंसिक्वेंटली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज है, और इस तरह बॉइलिंग पॉइंट उनका डिक्रीज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क विथ एस्टेरिक इज असिमेट्रिक। यानी हमें इसमें असिमेट्रिक कौन सा कंपाउंड है या मोलिक्यूल है उसको हमें खोजना है। तो इसका रीजन है कि कार्बन एटम अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन एटम। यानी जब कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से जब अटैच होता है तो इसे असिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है। इस तरह इसका जो ऑप्शन होगा 2। यानी यहाँ पर ए के साथ 4 डिफरेंट एटम कनेक्ट है या बॉन्डेड है, बी यहाँ पर सी के साथ भी 4 डिफरेंट एटम अटैच है, और इसमें सी में भी 4 डिफरेंट है, लेकिन डी में 2 सेम है HH। सो ये ऑप्शन इसको छोड़कर बाकी सभी हैं। यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज इनान्शियोमेरिक विद द मोलिक्यूल ए गिवन बिलो। ए मोलिक्यूल हमें गिवन है और हमें 4 ऑप्शन में से खोजना है कि विच वन इज इनान्शियोमेरिक। सो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यानी ए है आपका ऑप्शन। क्यों? क्योंकि द एस्टेरी आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड इनान्शियोमर। इनान्शियोमर्स पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। यह रीजन है ऑप्शन ए इज करेक्ट।